ए hey गाइज़ क्या हाल चाल वी आर मीटिंग अगेन एंड दिस टाइम विद ओबियसली द लेटेस्ट करेंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑफ मार्च तो फेब तक के तो हमने सारे कर लिए थे और अब एंट्रेंस बहुत पास आ रहा है तो यू नो आई रियली रियली होप कि यू ऑल ऑफ यू गाइज आर रियली गियर्ड अप एकदम बोर्ड्स आर ऑलमोस्ट यू नो नियरिंग दी एंड सो बहुत ज़रूरी है कि विद दिस वीडियो आप सब सीरियस हो जाओ आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स और ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स आई वेरी ऑनेस्टली फील दैट इट इज़ रियल हाई टाइम दैट यू गैज गेट सीरियस अबाउट द एंट्रेंस और अब कोई टाइम वेस्ट नहीं ठीक सीधा 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 वीडियोज़ को देखना है जितने वीडियोज़ आपके फोल्डर में हैं आप जब uh, फुल कोर्स कंटेंट में देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एब्सोल्युटली सीरियस अबाउट व्हाट यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ एंड यू वॉच दीज वीडियोस वेरी सीरियसली वन सिंपल रिकमेंडेशन ये वाली वीडियो करंट अफेयर्स वाली जो वीडियोस हैं यू कैन ऑलवेज वॉच इट वाइल हैविंग ब्रेकफस्ट और वाइल हैविंग योर लंच बट डू वॉच इट सीरियसली नाउ ओके तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे सीधा टॉपिक पे चलेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टड

तो अप्रैल के मंथ में भी जब अप्रैल आएगा तब भी हम ये सारी चीज़ें करेंगे तब भी वी विल डू अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ द करंट अफेयर्स टॉपिक्स ऑफ अप्रैल पर उससे पहले अभी मार्च की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें मार्च के महीने में हुई दिस इज़ अ फुल मंथ राउंड अप सो टू बिगेन विथ हर जगह हमारे आगे पीछे भारत में uh, मशहूर है इधर खुदा है उधर खुदा है जहाँ नहीं खुदा वहाँ खोद देंगे तो हर तरफ हमारे गड्ढे हैं और उसके लिए गड्ढों से निवारण के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया हैज़ हैज़बिन टेकन बाय आर कंट्री जो कि एक ऐप बनाया गया है कॉल बिफोर योर डिग तो अगर आप सड़क पे चलोगे आपको कहीं भी चलते चलते दिख जाएगा किसी भी खम्बे से रैंडम रोड पे मेन रोड पे आपको ऑरेंज ऑरेंज कलर की केबल्स दिख जाएंगी जो कि ऐसे ही पड़ी होंगी रोड के साइड पे दोज ऑरेंज केबल्स आर नथिंग बट फाइबर ऑप्टिक केबल जिससे कि पूरी कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है दे आर बीइंग यूज्ड बाय आर आर्म्ड फोर्सेस बाय आर गवर्नमेंट एजेंसीज़ बाय आर टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ और जिसका भारत में जहां मन करता है गड्ढा खोदने लग जाता है और खोद के तबाही मचा देता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नीचे क्या है क्या नहीं है उसका क्या इंपॉर्टेंस है बस खोद दो सो टू अवॉइड दीज नाव गवर्नमेंट इज़ ग्रेजुअली बिकमिंग स्ट्रिक्टर और गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है कॉल बिफोर यूर डिग तो कोई भी एजेंसी टू इंक्रीज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज गड्ढा खोदने से पहले दे हैव टू यूज दिस ऐप टू इन्फॉर्म कि हम गड्ढा खोदने वाले हैं अदर एजेंसीज विल मोनिटर कि किसका वहाँ पर इक्विपमेंट है किसका वहाँ पर अंडरग्राउंड लाइन्स या सर्विसेज हैं जो कि डैमेज हो सकती है डैमेज की हालत यहाँ तक इतनी है कि आई जी एल की पाइपलाइन तक को खोद डालते हैं उसमें भी छेद कर देते हैं एंड दे ऑल्सो रिजल्ट इन लीकेज और कौन कर देता है समटाइम्स टू आई एम सो सुपर सरप्राइज कि जो आ, लोग घरों में पंप लगाते हैं बूस्टर पंप वो आ, जो डी की लाइन होती है या म्यूनसिपैलिटी की जो वाटर लाइन होती है उस पर कनेक्ट करने के लिए जी खोदना चालू करते हैं एंड दे एंड अप इम्पैक्टिंग आई की जो पाइपलाइन गैस लाइन होती है उसको हिट कर देते हैं और उस पर लीकेज हो जाती है और जबकि बड़े बड़े मार्कर लगे होते हैं पीले पीले रंग के पत्थर की यहाँ ना खोदें यहाँ पे हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन है बट भाई खोदने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता सो दिस ऐप इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट For यू नो गेटिंग रेड ऑफ ऑल दैट नॉन सेंस दैट वी हैव गड्ढा खोदो और लीकेज हो गया कनेक्शन टूट गया एयरटेल वालों को फ़ोन करो जी हमारे तो किसी ने लाइन ही उजाड़ दी तो दीज टिपिकल कंप्लेंट्स दिस ऐप रियली वांट्स टू गेट रिड ऑफ़ दैट नॉनसेंस जो कि साल में लगभग तीन हजार करोड़ का नुकसान करते हैं भारत में इस uh, तरह से गड्ढा खोद के सॉरी आई डोंट नो बैड गेटिंग दैट bout ऑफ कोल्ड हाँ जी uh, अगला इंडियन कंपनीज अब धीरे धीरे जाके दुनिया में हर जगह दे हैव स्टार्टिड ग्रोइंग और उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है अदानी अदानी हैज़ बिकम वेरी बिग इन इंडिया the द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑल us नो कि अदानी कितनी बड़ी कंपनी बन गई है और इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि अदानी ने जाके सीधा इसरेल में जो उनका एक मेजर पोर्ट है उसको ख़रीद लिया अदानी इज़ अ वेरी बिग पोर्ट ऑपरेटर इन इंडिया मांडवा पोर्ट फिर uh, हमारे और भी uh, कुछ पोर्ट्स हैं जो अदानी के पास है uh, इसमें से एक पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है उसका मैं नाम भूल रहा हूँ आई एम सॉरी आई जस्ट कांट रिकॉल द नेम राइट नाउ इट्स अ वेरी फेमस पोर्ट विच इज़ ओन्ड बाय अदानी एंड यार उसके मुंद्रा सॉरी नाउ आई रिकॉल

सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर एन इंडियन कंपनी दैट वहाँ पर जो पोर्ट है नाउ इज़ इज़ प्राइवेटाइज्ड एंड इज़ ऑपरेटेड बाई एन इंडियन एन टी टी एंड नो इंडिया अर्नस इंडियन कंपनी विल अर्न ऑल द मनी दैट विल बी अर्न और जनरेटेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन या उस पोर्ट पर जो भी एक्टिविटी होगी उसकी सारी अर्निंग एक इंडियन कंपनी की होगी सो दैट मनी विल कम बैक टू इंडिया एंड मेक इंडियंस रिचर बाय डिफॉल्ट बट क्वेश्चन ये भी है कि विच इंडियन रिचर वर्सेज हाउ मेनी इंडियंस रिचर बिकॉज वी ऑल्सो हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम डिस्पैरिटी इन आर कंट्री बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल गुड न्यूज़ फ्रॉम अ एंट्रेंस स्टैंड पॉइंट हाइफा पोर्ट इन इसराइल इज नाउ ओन्ड बाय अदानी विच इज़ अ इंडियन कंपनी कुल चलो आगे और अभी आप अगर हाल फिलहाल में न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हो तो आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा मैंने अपने पिछले महीने की वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था सो so, हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बोला कि अदानी ने अदानी प्रैक्टिस इज हैज़ फ्रॉडुलेंट एंड प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू यू नो शोइंग इट्स इनकम एंड कैलकुलेटिंग इट्स इनकम सो दैट अ पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने बिकॉज़ अदानी बहुत बड़ी कंपनी है अदानी ग्रुप उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है हमारी कंट्री पे हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर uh, पे हमारी कंट्री के फिनैंशियल uh, स्टेबिलिटी पे तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो एक पैनल बनाएगी जिसमें टॉप इंडस्ट्री लीडर्स होंगे एंड पीपल लाइक के वी कामत नंदन नीलेकानी एंड दे विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये सही है क्या ये गलत है और ऑफ लेट अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये न्यूज़ मीडिया से भी चली गई है बिकॉज़ वी आर रियली ट्राइंग टू कंट्रोल द डैमेज दैट दिस रिपोर्ट हैज़ डन टू दिस ब्रांड और आप अदानी के अगर स्टॉक प्राइसेज भी देखोगे तो थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई है गिरे बहुत ज़्यादा इस रिपोर्ट के बाद बट ग्रेजुअली दे स्टार्टेड रिकवरिंग स्लाइटली सो ओवर द पास्ट फ्यू डेज आई वॉज मॉनिटरिंग द स्टॉक प्राइसिस ऑफ अदानी कंपनीज थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट है बाकी ओवरऑल स्टॉक मार्केट तो डाउन ही है इस टाइम पे सॉरी अगेन एंड इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस सो विथ रफेल रॉजर फेडरर गोइंग एंड नदाल रफेल नदाल ग्रेजुअली कमिंग टू यू नो हिज़ मेचोरिटी विद रेस्पेक्ट टू हिज स्टे इन द स्पोर्ट ऑफ मैनस टेनिस तो वी नाउ हैवे न्यू वर्ल्ड नंबर वन कार्लोस अलकार सो ही हैज़ बिकम द न्यू वर्ल्ड नंबर वन इन टेनिस अब रॉजर फेडरर एंड रफेल नदाल इन दोनों के धीरे धीरे फेडरर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर ही दी है हाल फिलहाल एंड रफेल नदाल इज़ दी ओनली प्लेइंग ग्रेट लेफ्ट नाउ और इनके अलावा नोवाक जोकोविक हैं तो नो वी रियली नीड टू सी नाउ हु रियली क्लेम्स दैट वर्ल्ड नंबर वन क्राउन एंड बिकम्स दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स इन दी स्पोर्ट ऑफ टेनिस मैंस लॉन टेनिस नाउ बट अभी के लिए द न्यू वर्ल्ड नंबर वन इज़ कार्लोस अलक्राज़ कुल चलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं एंड एक और बहुत मेजर न्यूज़ वो तो आपने देखी होगी वो इसमें भी मैंने कवर की ही हुई है वीडियो में जब वो आएगा उसको भी देख लेते हैं सिलिकॉन वैली बैंक जो कि यू में है दे हैव डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी और एकदम हॉट न्यूज़ है कि एक बहुत बड़ा बैंक जो बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड करता है वो सडनली बैंक हो गया और उसकी बैंक्रप्सी से ये हुआ है कि जो डिपॉज़िट्स हैं स्टार्टअप्स के विद स्टोर्ड विद दिस बैंक वो इनएक्सेसिबल हो गए हैं तो सडनली बहुत सारी सरकारें और बहुत सारे ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स आ गई है रेस्क्यू में इन uh, स्टार्टअप्स के बिकॉज इफ़ दी स्टार्टअप्स फॉल्टर तो काफ़ी सारा बिजनेस इकोसिस्टम इफेक्ट हो जाएगा काफ़ी बिजनेस कंपनीज़ इफेक्ट हो जाएंगी काफ़ी कंट्री का बिज़नेस इफेक्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हो जाएगी सो एज़ अ रिजल्ट गवर्नमेंट का काफ़ी इनपुट है एंड दी स्टार्टअप्स आर एस्टैब्लिश्ड ये अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो अगर आप देखोगे तो कंपनीज़ लाइक like, uh, रेज़र पे विच इज़ अ वेरी बिग एंड फेमस पेमेंट गेटवे सिस्टम इंडिया का वो भी इम्पैक्ट uh, हुआ है सो so, इसके लिए तुरंत उठ के भारतीय बैंकों ने किया है कि जी अगर आपका आप सिलिकॉन वैली बैंक से कनेक्टेड थे और वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी या उन्होंने आप में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन कर देंगे जल्दी से आप आइए हमें बताइए एंड वी विल गिव यू क्रेडिट एंड दिस इज़ जस्ट टू इन्श्योर कि बिजनेस इम्पैक्ट ना हो ये कंपनीज इम्पैक्ट ना हो एंड दिस इज़ अ व वेरी गुड इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन बाई द इंडियन बैंक्स टू सैल्वेज द डैमेज विच हैज़ बीन कॉस्ड बाई द यू नो साडन वैनिशिंग ऑफ वैनिश तो नहीं बोलेंगे बट द सडन डिमाइस ऑफ सिलीकॉन वैली बैंक चलो और आई पी एल आई पी एल अभी चालू हो जाएगा थोड़े दिनों में एंड uh, आप में से बहुत सारे लोग तो रिलीजियसली फॉलो करते हो गए बट प्लीज़ अपने बोर्ड्स पे ध्यान दे दो और पढ़ाई पे ध्यान दे दो आई के पता नहीं कितने सीजन आ गए यार जब मैं कॉलेज में था या उसके थोड़े टाइम बाद से आई चलता ही चला रहा है आई वॉज़ एक्चुअली इन माई मास्टर्स आई रिकॉल आई वॉज़ इन निफ्ट मुंबई जब पहली बार आई हुआ था एंड आई वॉज़ इन मुंबई डी वाई पाटिल स्टेडियम पहला आई का फाइनल हुआ था एंड फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे इतने आई पी एल हो गए हैं तो अभी के लिए आई आई हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दो आप में से जिनको भी क्रिकेट ऑल द क्रिकेट क्रेजी क्रिकेट लवर्स अमंगस्ट यू फॉर नाउ प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ क्रिकेट देखो प्लीज़ बट करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट सो बैक टू क्रिकेट आई पी एल में नाउ वी विल हैव न्यू स्पॉन्सर हर्बल लाइफ तो टाटा पहले ही वीवो और हट के टाटा प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया था आई पी एल का दी आई पी एल्स आर स्पॉन्सर्ड बाई टाटा एंड वी नाउ हैव अनदर ऑफिशियल स्पॉन्सर हु इज़ स्पॉन्सरिंग द एंटायर इवेंट एंड वो है हर्बल लाइफ विच इज़ अ न्यूट्रिशन कंपनी तो उनके प्रोडक्ट्स आते हैं आप देखोगे स्टोर पर हर्बल लाइफ के वो डब्बे से होते हैं पता नहीं उसके अंदर क्या क्या होता है रियली आई हैवेंट पेड सो मच अटेंशन टू दीज प्रोडक्ट्स बट दे आर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एंड हर्बल लाइफ इज स्पॉन्सरिंग आई पी एल नाउ अलॉन्ग विथ टाटा ओके जी अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये न्यूज़ है कि इंडिया में इसको दो तीन तरीके से देख सकते हैं हम पहले टॉपिक बताता हूँ आपको तो बोइंग ने एम आर ओ होता है मैंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस सो एम आर ओ है बोइंग का हैदराबाद में उन्होंने एक एम आर ओ सेटअप किया एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस के लिए राइट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल तो तो एक एम फैसिलिटी है हैदराबाद एयरपोर्ट में जी का एयरपोर्ट है ये और उसको नाम दिया है एरोटेक्निक अब इस पर्टिकुलर मेंटेनेंस फैसिलिटी में या ओवरहॉल फैसिलिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की जाएगी वो है कि पैसेंजर प्लेन्स को कार्गो प्लेन में कन्वर्ट किया जाएगा और आप जो कार्गो प्लेन देखते हो वो प्लेन ऐसा नहीं है कि उसने अपनी लाइफ कार्गो प्लेन से ही चालू किया गया आई डोंट नो वन फर्स्ट हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ कार्गो प्लेन दिखता नॉर्मल प्लेन जैसे है बस खिड़कियां नहीं होती वो सारी बंद होती है सब सील हो चुका होता है अंदर की सीट वीट सब जा चुकी होती है और बड़ा सा ट्यूब जो है वो हॉलो हो जाता है सामान ठूसने के लिए और उसके बाद इट फ्लाइज़ विथ कार्गो लगेज लगेज सो तो नहीं मतलब सामान के साथ तो हमारे जो अमेज़ॉन की डिलीवरी आती है फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आती है और अब तो जोमेटो से आप खाना भी ऑर्डर करो वो भी आ जाता है बाकी खाना तो आई एम श्योर कि वो आ, जो हमारी नॉर्मल दूसरी फ्लाइट्स उड़ती है पैसेंजर उसी में लोड करके भेज देते हैं बिकॉज वो शेड्यूल काफ़ी रेगुलर होता है बट इफ़ यू मस्ट हैव सीन फ्लाइट्स ऑफ डी एच एल फेड यहाँ तक कि एक बहुत फेमस मूवी है कास्ट अवे वो देखना इट्स अबाउट कार्गो प्लेन क्रैशिंग एंड टॉम हैंक्स की मूवी है सो so, अगर वो मूवी का आप ट्रेलर भी देखोगे यूट्यूब पे सर्च करके तो यू विल सी अ कार्गो फेडेक्स कार्गो इज सो दीज आर प्लेन्स जो कि माल डोने के लिए काम आती है और इंडिया में अगर इसका यूनिट लगाया गया है कि पैसेंजर प्लेन्स को कन्वर्ट करेंगे कार्गो में इसका एक सिंपल सिंपल मतलब ये है कि एयर फ्रेट की डिमांड बढ़ी है काफ़ी मेजर शिपमेंट्स आ जा रही हैं इंडिया में कार्गो की प्लस पूरे रीजन में और इंडिया में ये प्लेन कन्वर्ट होंगे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट को ही ये कैटर कर रहे हैं एम हर जगह हर देश में नहीं बनाया जाता चाइना में है इंडिया में है यू में है गिनती के इस एरिया में आसपास में सिर्फ कुछ गिनती के देशों में ही एम uh, फैसिलिटीज़ हैं जिसमें से इंडिया एक मेजर हब है सो फॉर दैट ये कन्वर्जन यूनिट अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इकॉनमी के लिए और हमारी कंट्री में आने वाले अर्निंग के लिए हमारी कंट्री की कैपेबिलिटीज के लिए कि हमारी कंट्री में भी अब वो टेक्निकल नोहा है जहाँ पे एयरक्राफ्ट कन्वर्जन पॉसिबल है तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में एक्चुअली एयरक्राफ्ट बनने लगेगा लेट्स जस्ट कीप आर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप टू फ्लाई इन अ मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट आल्सो वेरी सून कूल चलो जी क्विक 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 कार फ्री हम यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिक कार तो नहीं ला पाए ई रिक्शाज़ तो सही सही में हमने अपनी ज़िंदगी में भरपूर भतेर भर लिए हैं हिंदुस्तानियों ने जहाँ शक्ल सर घुमाओ वहाँ पे एक ई रिक्शा दिखाई देता है समटाइम्स दे गेट वेरी अनोइंग बट यूरोप हैज़ यूरोप पहले बोल चुका है कि दो हज़ार पैंतीस के बाद तो जी आप पेट्रोल की गाड़ी बेच ही नहीं सकते पेट्रोल डीजल की आई सी कार्स नो इंटरनल कंबशन इंजन अब वो ये कर रहे हैं कि उनके पास जो पुराने टनल्स हैं इस केस में दे हैव क्रिएटेड द लॉन्गेस्ट साइकिलिंग टनल इन द वर्ल्ड और वो कैसे बनाया है इसको स्पेशली कोई टनल नहीं खोदा गया Uh, हर मेट्रो लाइन के साथ हर ट्राम uh, लाइन के साथ जो अंडरग्राउंड चलती है एक इवैक्यूएशन टनल होती है कि अगर वो जो मेन टनल है जिसमें मेट्रो चल रही है वो मेट्रो उस टनल में किसी कारण से अटक जाए तो वहाँ से आप लोगों को दूसरे टनल में पैरल टनल में ले आते हो और वहाँ से इवैक्यूएट करते हो और इस केस में नॉर्वे ने यही अक्ल लगाई कि जो इवैक्यूएशन टनल था उसके एडजस्टेंट उसको लोगों के लिए खोल दिया तो उसमें लोग पैदल चल सकते हैं बिकॉज वो ऑब्वियसली इवैक्यूएशन टनल है और साइकिलिंग कर सकते हैं एंड इमेजिन अमिन द ब्यूटी ऑफ इट जो एक चीज़ पड़ी रहती है गॉड फॉरबिड कभी भी उस एवैक्शन टनल को यूज़ करना पड़े और वो यूज़ नहीं होता वो सड़ता रहता है टिल दैट पेनल्टी में डे की कुछ हादसा हो गया कुछ यू नो ट्रेजिडी हो गई और लोगों को आपको वहाँ से वैक्ट करना पड़ रहा है वो नॉर्वे ने अकल लगाई और उस टनल को ब्यूटिफाई कर दिया साफ़ सुथरा कर दिया एकदम रेडी कर दिया जब अगर इवैकुएट करना पड़ गया तो यूज़ कर ही लेंगे गाड़ियाँ तो उसमें है नहीं लोग ही चलते हैं और उसके अलावा लोग पैदल चल सकते हैं और लोग साइकिलिंग कर सकते हैं तो तीन किलोमीटर के टनल को साइकिलिंग के लिए खोल दिया जी लोग आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सड़क के ऊपर क्या ट्रैफिक में साइकिल करोगे जाओ खाली गाली में साइकिल करके चले जाओ वहाँ पे आपको सिर्फ पैदल चलते हुए लोग ही मिलेंगे सो वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइडियाज़ दैट हैज़ कम अबाउट इन द वर्ल्ड एंड इसके साथ वो लॉन्गेस्ट साइकिलिंग टनल भी बन गया ओके okay जी और गवर्नमेंट फाइव जी तो हमारी लाइफ में आ ही चुका है बट अभी सवाल बस ये है कि बट डंडे ढूँढता रहता हूँ आजकल तो जब भी एक नया वो जी ऐड होता है लाइफ में तुरंत वो पुराने वाले जी गायब हो जाते हैं तो फिलहाल तो मोस्टली मेरे फ़ोन पे फोर जी चलता है आई इन दीज प्लेसेस ऑफ गुड़गांव एंड डेली बट अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने यह बोला है कि जब बहुत ज़रूरी हो गया है टेली नेटवर्क को पूरे इंडिया में पहुँचाना तो हमारे इंडिया के बॉर्डर्स पे हज़ार लगभग हज़ार टेलीकॉम आउटपोस्ट लगाए जाएंगे जिससे कि पूरे बॉर्डर एरिया को इंडिया के 4G नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके और एक बार 4G नेटवर्क हमारे बॉर्डर्स पे पहुंच गया तो इसका मतलब कि काफ़ी सारी सर्विसेज काफ़ी सारी सर्विलांस काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच जाएगी और यही होगा जी उसके बाद कि भारत के बॉर्डर पे बॉर्डर पार भी अभी एक्चुअली भारत में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया के सिग्नल के साथ दूसरी कंट्री का भी सिग्नल आता है इफ़ यू हैड आउट टू एनी वन ऑफ दीज बॉर्डर प्लेसेस यू विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग गेटिंग जो ऑपरेटर सिलेक्शन होता है अगर उसमें मैनुअल मोड पे जाओगे ऑटो से तो आप देखोगे कि आपको पड़ोसी देशों के भी सिग्नल्स मिल रहे हैं और कई बार तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं तो इसके साथ ये हो जाएगा कि एक्चुअल में भारत के भारतीयों को भारत के बॉर्डर पे जब जाएंगे तो भारत के सेलफोन के सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे और एक्चुअली मिलेंगे तो कम्युनिकेशन स्टैंड पॉइंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एंड अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट बाय आर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम और इलेक्शंस भी हुए तो इलेक्शन हुए एंड uh, दो तीन स्टेट में इलेक्शन हुए एक स्टेट जिसको यू नो द मेजर स्टेट्स हो तो आप सारे फॉलो कर ही लेते हो कुछ स्टेट्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं हम ध्यान नहीं देते ये छोटे स्टेट्स हैं तो छोटे स्टेट्स के लिए आई थॉट लेट मी स्पेशली पिक इट अप तो मेघालय में इलेक्शन हुए और मेघालय के द न्यू सी एम हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू सी एम ऑफ मेघालय इज़ कॉन्राड सांगमा तो ही इज द लीडर ऑफ नेशनल पीपल्स पार्टी Which is uh, in alliance with BJP in Meghalaya and Conrad uh, Sangma is the new CM or Chief Minister of the state of Meghalaya. कुल cool. अब new क्या हो? मतलब वो reelected हो गए तो he has been reelected as the uh, CM और uh, अभी हाल फिलहाल में 25 तारिक को India uh, ने Earth Hour celebrate किया तो साढ़े आठ रात को साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक आपने news में भी देखा होगा ये आया था रात को एक घंटे के लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाती है मेजर मॉन्यूमेंट्स में मेजर लोकेशंस पे इंडिया के लाइट्स ऑफ कर दी गई थी ऑफ का मतलब ये नहीं है कि जी बिल्कुल अंधेरा घनघोर अंधेरा कर लो नहीं इट इज़ अबाउट कि इमरजेंसी लाइटिंग एसेंशियल लाइटिंग जलती रहती है स्ट्रीट लाइट्स जलती रहती है बट बिल्डिंग के ऊपर जो एल्यूमिनेशन के लिए लाइट्स होती हैं दे रिक्वेस्ट इज़ कि आप अपने घरों की लाइट ऑफ कर लो बस उतने छोटे से स्टेप से इतनी एनर्जी पूरी दुनिया में सेव होती है सो दिस इज दीज आर दो स्मॉल स्मॉल इनिशियेटिव आप ये लो प्लीज दिस विल यू नो हेल्प सेव आर प्लानेट सो दीज आर सच काइंड ऑफ इनिशियेटिव बिकॉज जब आप लाइट्स ऑफ करते हो तो एक्चुअली आपकी पावर कंजम्प्शन की पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है रिक्वायरमेंट मतलब वी सेव ऑन पावर विच मीन्स द थर्मल पावर प्लाट्स विच आर रियली बर्निंग अ लॉड ऑफ कोल दे वुड नीड टू प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ लेसर इलेक्ट्रिसिटी हैंज बर्न लेस कोल सो लार्जली बेनिफिशियल फॉर दी फॉर आर प्लान ये पर्पज है अर्थ आर का तो हर साल 25 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है चलो और uh, अगला द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया ये पोस्ट काफी टाइम से खाली चल रही थी और uh, ये uh, जो एम्बेसडर आए उनके नॉमिनेशन को लेके भी थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहा था यू एस एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंडिया में बिकॉज यू एस इज़ नेचुरली द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन वर्ल्ड अफेयर्स तो यू एस के जो भी अम्बेसडर इंडिया में आते हैं दिस पर्सन एक्चुअली प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडिया यू एस रिलेशनशिप एंड नैचुरली ऑल एम्बैसडर्स डू बट दिस वन इज़ अ वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट तो इसके लिए द न्यू यू एस एम्बेसडर टू इंडिया इज एरिक गारसट्टी राइट सो इफ द क्वेश्चन कम्स हु इज़ द न्यू यू एस एम्बेसिडर टू इंडिया हिज नेम इज़ एरिक गारसट्टी चलो जी सॉरी गलत बटन और टेक uh, महिंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट आईटी कंपनी है इट इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया तो इंफोसिस के uh, एंड ओल्ड इन्फोसिस हैंड मोहित जोशी उनको अपॉइंट किया गया है एज एम डी एंड सी ई ऑफ टेक महिंद्रा कुल द न्यू एम डी एंड सी ई ऑफ टेक महिंद्रा इज़ मोहित जोशी एंड जो अभी आउट गोइंग द न्यू एग्जिस्टिंग सी ई ऑफ टेक महिंद्रा इज सी पी गुरानी ही विल बी रिटायरिंग इन डिसम्बर ठीक चलिए जल्दी जल्दी कवर करने बहुत सारे हैं न्यूज़ करने के लिए और सरकार ने एक नोटिफ़िकेशन इशू कर दिया है कि जी गूगल पे या किसी भी यू से अगर आप मर्चेंट को दो हज़ार रुपये से ज़्यादा पे करते हो तो वन पॉइंट वन परसेंट का सरचार्ज पे करना पड़ेगा मतलब कि बीस रुपये के आसपास बीस रुपये बाईस रुपये तो अगर आपने दो हज़ार रुपये की पेमेंट करी तो बाईस रुपये का उस पर सरचार्ज लगेगा मेरे को ये नहीं समझ आता सही में नहीं समझ आया अभी तक तो अनाउंसमेंट होती जा रही थी जी यू फ्री है ये है वो है फिर उसके ऊपर एक परसेंट का कॉस्ट और ठीक है मानता हूँ यार महंगा पड़ रहा होगा इसको मेंटेन करना बट टू से कि फर्स्ट अप्रैल से अभी बस uh, कल से वन पॉइंट वन परसेंट का आप सरचार्ज लोगे तो नॉट श्योर इफ़ पीपल विल कंटिन्यू यूजिंग यू पी आई वन जो कि गवर्नमेंट का डिजिटल करेंसी का इतना इम्पॉर्टेंट पुश था कि जी डिजिटल uh, पेमेंट्स करो तो लोग यूज़ करना कम कर देंगे नंबर टू कि टू पॉइंट वन पॉइंट वन परसेंट मतलब एक तो काफ़ी साइजेबल अमाउंट है क्या मर्चेंट वो लोगों से चार्ज करना चालू कर देंगे एंड थर्ड थिंग इज क्या हमारे ऐप्स भी कुछ ऐसा करेंगे कि जी दो हज़ार की पेमेंट कर सके उससे ज़्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते एक बारी में जस्ट टू अवॉइड दिस सिचुएशन सो वी नीड टू सी आई कीप यू पोस्टेड बट आई हैव अ इंकलिंग कि मैंने कुछ आर्टिकल ऐसे भी पढ़े जिसमें था कि दो हज़ार से ज़्यादा की पेमेंट बंद कर देगी यू uh, से तो लेट सी वॉट हैपन्स बट दिस डज नॉट स्टिल अप्लाई फ्रॉम इन पीपल टू पीपल ट्रांजेक्शन ये मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए है बट अभी ऑब्वियसली इसमें क्लैरिटी थोड़ी और आएगी सो लेट इज जस्ट वेट एंड वॉच एकदम ही फ्रेश लेटेस्ट न्यूज़ है दो तीन दिन में जब धीरे धीरे चालू होगा विल स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी कि क्या चल रहा है एक्चुअल में ठीक चलो आगे चलते हैं और फेम टू स्कीम फेम स्कीम है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बने हैं मेड इन इंडिया भारत में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस पर मैन्युफैक्चरर कंपनी जो जिसने मैन्युफैक्चर किया है चालीस परसेंट तक कस्टमर को डिस्काउंट दे सकती थी क्योंकि वो अमाउंट गवर्नमेंट से एज सब्सिडी वो ले सकती थी ऑन द सेल बट कुछ तो सरकार को लगा जी कि क्या ही ज़रूरत है पता नहीं मतलब ये तो मेरे को सही में कभी कभी सरकार के स्टेप समझ नहीं आते या सरकार को इतने टैक्सेशन की कमी हो जाती है कि हर चीज़ जो कि जिस टाइम पे अडॉप्ट होने लगती है उस टाइम सडनली हटा दो तो अभी ये था इसमें कि फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की थी बट विद दिस फेम रेगुलेशन गोइंग सरकार ने बोला है कि एज़ पर गवर्नमेंट ये हम हटा देंगे तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो प्राइसेस हैं जो अभी आप पच्चीस लाख में जो गाड़ी खरीद सकते हो मे बी इट वॉज इन्जॉइंग अ टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट सब्सिडी फ्राम द गवर्नमेंट सडनली यू विल फाइंड दोज सेम सेट ऑफ व्हीकल्स कॉस्टिंग थर्टी फाइव लैक्स फोर्टी लैक्स जो इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी एक लाख रुपये के अंदर आ रहे थे सडनली वो एक दस एक बीस के हो जाएंगे सो या गवर्नमेंट इज़ कंटम्प्लेटिंग कि वो सब्सिडी हटा देते हैं और चीज़ें फुल प्राइस की हो जाएंगी फुल प्राइस मीन्स उस पर आप टैक्स लगाएंगे तो जी गुड अमाउंट ऑफ टैक्सेशन आई डोट नो आई मेन आई ओनली अंडरस्टैंड की दिस इज़ एन आइडिया अराउंड कलेक्टिंग टैक्सेज बट इंडिया को क्या इंडिया ये सब्सिडीज हटा सकती है क्या इंडिया अभी ये ऐसे ऐसी पॉलिसीज जो कि प्रोमोट कर रही थी इलेक्ट्रिक वहीकल एब्जॉपन को हटा सकती है एडॉप्शन को आई डोंट थिंक सो बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन ओनली यू गैस कैन ऑल्सो हैव यपिनियन एवरी वन एल्स कैन सो या बट वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच कि क्या ही इम्पैक्ट पड़ता है इस पर क्या लोग वापस से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे क्योंकि प्राइस से इम्पैक्ट तो रहेगा नहीं आपकी जो गाड़ी आप 20 लाख की खरीद रहे हो डीज़ल में इलेक्ट्रिक में खरीदने जाओगे तो 15 लाख रुपये ज़्यादा महंगी हो जाएगी वो 35 लाख की मिलेगी तो क्या ही सेंस होगा विदाउट सब्सिडी सो इट्स जस्ट वेट एंड वॉच केयर ओके और हम सिलिकॉन वैली बैंक की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तो जो उसका यूके में जो आर्म है जो यूके में उसका उसके ऑपरेशन है उसको एच ने ख़रीद लिया है सिर्फ़ एक पाउंड मतलब कि लगभग नब्बे रुपये का तो सिर्फ एक पाउंड से पाउंड का एच ने सिलिकॉन वैली बैंक को ख़रीद लिया है इन यूके एंड दिस इज़ मोस्टली अ गवर्नमेंट पुश्ड ब्रोकर डील

चलो आगे चलते हैं और इंडिया इज़ आल्सो प्लानिंग कि 2030 तक शिप बिल्डिंग के लिए ग्रीन शिप बिल्डिंग के लिए इंडिया विल बिकम अ मेजर हब और ग्रीन शिप का मतलब कि शिप दी शिप्स विल नॉट रन ऑन फ्यूल ऑयल जो कि शिप का मेजर प्राइमरी फ्यूल होता है बट इंस्टेड दे रन ऑन हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल जिससे कि कोई पोल्यूशन नहीं होगा एंड दी आउटकम इज़ नेचुरली वाटर वेपर वाटर तो वो तो नेचुरली समुद्र में हो तो पानी में ही चला जाएगा कौन सी बड़ी बात है तो so, uh, और इसके अलावा और भी फॉसिल फ्यूल uh, हटा के जैसे यू नो मेथनॉल पे चल गया विच इज़ अ ब्लेंडेड ब्लेंड ऑफ पेट्रोल विथ फ्यूल कमिंग फ्रॉम शुगर केन उससे जो अल्कोहल uh, पता नहीं ब्लेंडेड फ्यूल होता है वो अभी तक तो एक्चुअली मैंने uh, गाड़ी एक आई थी uh, टेस्टिंग के लिए uh, कुछ इसने टोयोटा ने कुछ गाड़ियाँ उतारी हैं फ्यूल्स इसके टेस्ट करने के लिए ब्लेंडेड फ्यूल एंड मारुति ऑल्सो एक वैगन आर भी ऑटो एक्सपो में आई थी वो भी ऐसे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ले सकती है बट अभी तक मैंने किसी पंप में तो नहीं देखा है इफ़ यू गैज नो डू शेयर कि कहाँ पर मिलता है बट आई ऑबियसली हैवेंट सीन एंड इंजन्स थोड़े अलग होते हैं सो इन दिस केस दीज शिप्स विल प्राइमरीली रन ऑन मेथनॉल हाइड्रोजन एंड शुरुआत होगी टग बोट से तो बड़े वाले शिप को खींचने के लिए छोटे छोटे पावरफुल बोट्स होती हैं जिन्हें टग्स कहते हैं तो सबसे पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन उनको हाइड्रोजन से चलाने की आ, का प्रोसेस चालू होगा एंड देन इंडिया विल स्टार्ट मेकिंग शिप्स विच रन ऑन बिल्डिंग शिप्स विच रन ऑन फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन सो दिस इज़ अ गुड इनिशियेटिव टूवर्ड्स क्लीन मोबिलिटी इन इंडिया और इसका एक रिलेटेड न्यूज़ और है शिपिंग से वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे चलो और भारत की बातें हम करते ही जा रहे हैं तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि मनी लॉन्ड्रिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की पैसे इधर से उधर करना हवाला एंड ऑल तो उसमें क्रिप्टो करेंसी को भी इंक्लूड कर दिया गया है तो अगर आप अपना पैसा किसी और देश में बिना टैक्स पे किए पीछे के रास्ते भेज रहे हो और उसमें एक तरीका ये है कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे ख़रीद ली या कर, या किसी और फॉर्म में टोकन खरीद टोकनाइज़ कर लिया और किसी और देश में जाके बेच दिया और वहाँ पे उसे कन्वर्ट कर लिया आपने उसकी उस देश की करेंसी में या किसी और करेंसी में तो इसको भी अब मनी लॉन्ड्रिंग में इंक्लूड कर लिया गया है तो नाउ क्रिप्टो करेंसीज़ इज़ ऑल्सो आर पार्ट ऑफ इंडियाज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क ठीक आई एम सॉरी थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं बट ये टॉपिक बहुत सारे हैं आधे रास्ते पहुँचे हैं एंड यू नो वी नीड टू बी एक्टली प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस इसलिए और आई आर वेरी ओन फेमस मिस्टर रतन टाटा ही हैज़ बीन बिस्टोर्ड विद ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया का सिविलियन मेडल uh, है ये विच इज़ गिवन टू समान हुन ऑफर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ स्पेशल काम किया है कुछ डिस्टिंग्विश्ड काम किया है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये देती है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो हमारे श्री रतन टाटा जी को दिया गया है और वो इसलिए बिकॉज टाटा ग्रुप ने काफ़ी कंपनी सेटअप की काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है काफ़ी चीज़ें की हैं इन दंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो सो हैंस ही हैज़ बीन द चेयरमैन एमरेटस ऑफ टाटा हैज़ बीन गिवेन दफ़ ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है मतलब दो हज़ार तेईस मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार पूरी ले देकर अब एनवायरमेंट के ऊपर हावी हो गई है तो रेलवेज ने भी बोला है कि दो हजार तीस तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे नेट ज़ीरो का मतलब जी कोई ट्रेन हमारी इंडियन रेलवेज की पोल्यूट नहीं करेगी बल्कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करेगी तो आई एम श्योर रेलवेज पेड़ वगैरह भी लगा रही होगी साथ में बहुत सारे टू बी पॉजिटिव नेट पॉजिटिव बट जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगी रेलवेज उसको ऑफसेट कर देगी तो ऑफसेट करने के लिए आई एम श्योर कुछ तो कर रही होगी मे बी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगा रही होगी या पेड़ बहुत सारे जंगल लगा रही होगी जिससे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करे रेलवे इन ऑल शेप एंड फॉर्म ऐसा हो नहीं सकता कि रेलवे ज़रा भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ना करे इट्स वन ऑफ़ द मैसिव बिगेस्ट ऑपरेशन इन द कंट्री तो ना चाह के भी हो ही जाएगा तो आई एम श्योर रेलवेज बहुत सारे कुछ इनिशियेटिव ले रही होगी कि बिल्कुल अपना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन जितना भी है रेलवेज ऑपरेशन से पूरा ऑफसेट कर दे विद विद दिस इनिशिएटिव और बाकी इलेक्ट्रिफिकेशन लाइंस की तो चल ही रही है एंड मे बी ग्रेजुअली डाउन द रोड जो इलेक्ट्रिसिटी रेलवेज यूज़ करने लगे वो सारी यू नो स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड ऑल सो नथिंग बेटर देन दैट सो इट्स ऑल गुड ओके जी और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो के लिए इसरो ने अपना सबसे बड़ा रॉकेट एल एम वी एल वी एम थ्री लॉन्च किया एकदम हाल फिलहाल और uh, एक दो दिन पहले और इस लॉन्च की खासियत ये थी इससे छत्तीस सैटेलाइट लॉन्च किए गए एक रॉकेट से और ये छत्तीस सैटेलाइट ऑल दीज थर्टी सिक्स सेटेलाइट बिलोंग टू वन वेब एंड वन वेब में हमारा भारती कम्युनिकेशंस भारती जो इंडिया का एयरटेल है विच इज़ ओन बाय भारती इज़ अ मेजर पार्टनर व्हाट इज वन वेब वन वेब इज़ सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड तो सीधा जैसे हमारा डिटेल चलता है मैं पुरानी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सीधा रिसीवर वो एंटीना लगाओ अपने घर पे और जैसे हम डीटीएच देखते हैं ऐसे ही एंटीना से आपको सीधा ब्रॉडबैंड मिलेगा ब्रॉडबैंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लो क्वालिटी इंटरनेट सर्विसेज या लो बैंड विथ इंटरनेट सर्विसेज ब्रॉडबैंड और भारत के बाहर ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन बहुत अलग है विच इज़ वेरी हाई स्पीड इंटरनेट भारत में ब्रॉडबैंड की स्पीड अभी भी ओके okay ही आती है अभी धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता बट हाँ कभी कभी हमारा भी यूट्यूब बफर होने लगता है और अभी जब भी मैं मेट्रो में जाता हूँ तो, तो भाई रियलीज इट सफ़र्स विथ इंटरनेट आउटेज ऐसा नहीं है कि मेरे को मेट्रो तो में बैठ के यूट्यूब देखने की आदत है मैं वो नहीं करता बट uh, कुछ काम करने के लिए भी आप फ़ोन निकालो या लैपटॉप खोलो तो दिन देर आर नो सिग्नल्स सो विथ सेटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड यूएस में uh, चलता है तो काफ़ी फास्ट है यूक्रेन में वॉर में uh, यू एस गवर्नमेंट ने स्ट्रेट फॉर्वर्ड इलॉनमस को बोला था टू ऑफर द सर्विसेज टू यूक्रेन सो दे आर रिलायबल एंड दे वर्क सो वन वेब मेक मेजर कंपिटिटर इज विच इज़ ऑल्सो प्रोमोटेड बाय भारती विच इज़ ए इंडियन कंपनी इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड एक टाइम पर कंपनी बैंक्रप्ट हो गई थी बट नाउ दे हैव इमर्ज बैक वेरी स्ट्रांगली और एक और जी भारत के लिए माइलस्टोन वैसे ही भारत के रेलवे प्लेटफॉर्म लंबे से लंबे होते ही जा रहे हैं तो अब की बारी डेढ़ किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है कर्नाटका में स्टेशन का नाम है ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है मेरे को थोड़ा पढ़ने में हार्ड टाइट हो रहा है इसमें रूडा सिद्धा रूडा स्टेशन है हुबाली में वहाँ पे डेढ़ किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म अभी तक तो गोरखपुर हमें पता था उससे पहले खड़गपुर था खड़गपुर के बाद गोरखपुर हुआ गोरखपुर के बाद हुब्बाली सिद्धारूडा रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म और डेढ़ किलोमीटर काफ़ी लंबा होता है अगर एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आ जाती है तो इसमें दो ट्रेन आ जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ये मुबारक हो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया अब इसके बाद धीरे धीरे खड़गपुर तो पीछे ही रह गया एक केरला में भी बन गया है कोल्लम में तो गोरखपुर नंबर टू हो गया सिद्धारूडा नंबर वन हो गया गोरखपुर नंबर टू हो गया और कोलम में जो प्लेटफॉर्म है वो नंबर थ्री हो गया सो दीज आर दी थ्री लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म्स इन आर कंट्री टूडे और uh, इंडिया ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया है भारत 6G विजन इज़ इंडिया चाहती है कि 2030 तक इंडिया में 6G डिप्लॉय हो जाए अभी 5G हो रहा है हम 2023 में हैं 5G अभी डिप्लॉय हो रहा है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंडिया गवर्नमेंट 4G लाने की कोशिश कर रही है बॉर्डर में अभी आया नहीं है आएगा 5G धीरे धीरे डिप्लॉय हो रहा है पर बहुत तेज़ी से हो रहा है रिलायंस जियो सिटी आफ्टर सिटी फाइव जी डिप्लॉय करता चला जा रहा है एयरटेल थोड़ा सा पीछे है बट वो भी तेज़ है एंड जियो तो बहुत ही तेज़ी से कर रहा है और अब हम बात कर रहे हैं सिक्स जी की कि 2030 अगले सात सालों के अंदर भारत में सिक्स जी आ जाए तो अब पहली बार ही गवर्नमेंट ने इतना फास्ट इनिशिएटिव लिया है तो और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को पूरी परमिशन है एंड कंपनीज़ uh, को पार्टिसिपेशन की पूरी परमिशन है एंड दे आर फ्री टू टेस्ट तो आई एम श्योर कुछ तो बाकी भारतीय भी मिलकर कुछ अच्छा बना लें कर लें एंड मे बी वी बिकम वन ऑफ देरी फर्स्ट कंट्रीज़ टू डिप्लॉय सिक्स जी इन द वर्ल्ड इवन बिफोर इट हिट्स द लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक टाइम पर आप मानोगे नहीं जब सेलफोन uh, प्रोलिफ्रेशन कम था इंडिया में बट सेलफोन के फीचर्स लाइक एस एम एस एस एम एम एस ये सारे फ़ीचर इंडिया में यू एस से पहले आ गए थे इट्स रियल इट साउंडस अनबिलीवेबल बिकॉज यूरोपियन प्रोटोकॉल यूरोपियन मोबाइल टेलीफोनिक प्रोटोकॉल वॉज प्रिटी एडवांस्ड इंडिया ने यूरोप के प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया था ऑल दीज कंपनीज़ लाइक एरिक्सन एंड नोकिया वर गेनिंग फूड होल्ड इन इंडिया एंड एशियन कंट्री है जापान का भी इन्फ्लुएंस था इंडिया पर एंड बिकॉज ऑफ़ दिस इंडिया का जो मोबाइल नेटवर्क था या मोबाइल की सर्विसेज थी वो एक टाइम पर यू एस से ज़्यादा एडवांसड थी इन इट्स वेरी अर्ली डेज एंड फ्राम देर जिस सी वॉट हैपन वी आई मीन मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया काफ़ी स्पीड से पिक काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलता है इंडिया में मोबाइल की प्रोलिफ्रेशन इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड बट कहीं कहीं पे हम अपनी आर एन डी को ले कर हमारे टेक्नोलॉजी अडोप्शन को ले कर पीछे रह जाते हैं और उसका नतीजा देखो कि सडनली यू एस कितनी आगे निकल गया दुनिया से चाइना कितना आगे निकल गया तो इसके लिए नाउ दिस इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू बी फ्यूचर रेडी तो अभी से स्टेप्स लेना चालू कर दो छः साल सात साल बाद विल डेफिनेटली रीच सम प्लेस बेटर जब तक दुनिया में सिक्स जी आएगा वी वुड ऑल्सो बी एट अ सिमिलर लेवल प्लेइंग फील्ड हम तैयार रहेंगे उस टाइम पे उसको अडॉप्ट करने के लिए सो गुड स्टार्ट क्योंकि इंडिया 5G जी में आप देखोगे तो नेचुरली कुछ साल पीछे रह गया ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पीछे रह गया दो तीन साल इंडिया पीछे चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फाइव जी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी वेब अक्रॉस द कंट्री अब इंडिया थोड़ा सा पीछे है अभी भी मतलब मेजर एरियाज में तो सिग्नल आते ही हैं थैंकफुली पहले तो जब मैं ट्रैवल करता था कहीं भी दिल्ली से बाहर टू सम प्लेस टू सम यू नो टीयर टू टीयर थ्री सिटी एक्चुअली नेटवर्क बहुत ख़राब होते होते थे बट नाउ आई थिंक पूरे पहाड़ों में और हर जगह काफ़ी अच्छे सिग्नल्स आते हैं सो दैट इज़ रियली गुड और ब्रॉडबैंड तो काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन हो ही गया और uh, एक और इनिशिएटिव अपार्ट फ्रॉम सिक्स गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इंडिया का खोया हुआ टैलेंट इंडिया की खोई हुई कैपेबिलिटी को वापस लाना इंडिया एक टाइम पे वर्ल्ड का मेजर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर होता था जिसको चाइना बांग्लादेश इन कंट्रीज़ ने ले लिया हमसे आप अभी भी कपड़े खरीदने जाओगे किसी भी स्टोर पे यू गो टू यूनिक्लो यू गो टू जारा एच एन एम और मेनी अदर ब्रांड्स आप कपड़े उठा के देखोगे उस पर लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश मेड इन वियतनाम एटलीस्ट मेड इन चाइना तो भारत में बिकता नहीं है क्योंकि उस पर काफ़ी रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने बट एक टाइम पे मेड इन चाइना भी बहुत ज़्यादा था आप जूते देखोगे पिकअप एनी ऑफ योर स्नीकर्स मेड इन वियतनाम मेड इन कम्बोडिया लिखा होगा बहुत कम पे ही मेड इन इंडिया मिलता है लेदर शूज़ पे मिलता है मेड इन इंडिया लिखा हुआ तो ये सारी चीज़ें फ्राम पैरल परस्पेक्टिव एक्सेसरी फुटवेयर की बात नहीं करते कपड़ों के लिए ये सारा दूसरी कंट्रीज़ को शिफ्ट हो गया धीरे धीरे नाव एंड बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है इंडिया वॉज़ अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ़ टेक्सटाइल्स बट इंडिया फेल बिहाइंड uh, और इंडिया का टैलेंट है इंडिया में स्किल uh, सेट्स भी, uh, भी है स्किल्स स्किल्स भी हैं मशीनरी भी है लोगों को ये चीज़ आती भी है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फिर भी इंडिया पीछे रह गया निफ्ट निफ्ट इज सच अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सटाइल एंड आई बींग ए निफ्टी एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट प्लेस सो टू रीजोविनेट दिस एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने सात टेक्सटाइल हब्स मेजर टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की है अक्रॉस वेरियस प्लेस अक्रॉस द कंट्री एंड इनका पुराना टैलेंट है तो यूपी में मध्य प्रदेश में कर्नाटका में ये पुराने हब्स थे उनको दोबारा से जगाया जाएगा पहले से और बड़ा किया जाएगा और पूरा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट विच मीन्स गिविंग गुड कॉम्पिटिशन टू चाइना एंड दैट इज वॉट इट नीड्स टू बी डन सो दिस इज़ सेंट्र प्लान हियर इन डेली ओके जी और uh, एक और स्टेप विच कम्स टू क्वालिटी बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे मिनिस्टर uh, श्री अश्विनी वैष्णव ने बोली थी कि भारत में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी है अगर हमें एक्सपोर्ट करना है और ग्लोबल स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ये बोल के कि जी हम ग्लोबल स्टैंडर्ड पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे नहीं होता टेस्टिंग की कैपेबिलिटीज़ भी सुधारनी पड़ेंगी जिसके लिए कि टेस्टिंग के लैब्स होने चाहिए और हमारे सारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए और सर्टिफाइड होने चाहिए और कोई भी आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट उठा लो वो इसलिए अच्छे माने जाते हैं बिकॉज दे आर सर्टिफाइड बाई द बेस्ट ऑफ़ द लैब्स एंड फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड तो इसके लिए अब एक इनिशिएटिव है कि जो भी गोल्ड इंडिया में बिके वो ऐसे ही लावारस स्टैंडर्ड ना बिक जाए उस पर अब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ ही वो बिके पहले हॉलमार्क तो पहले भी मिलता था बट यूनिक नंबर जो है अब हर यूनिट को वो भी देना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है और ये ऑब्वियसली देता कौन है बी देता है और हॉल मार्किंग सेंटर्स भी और बढ़ाए जा रहे हैं कंट्री में ताकि इतने सारे यूनिट्स को किया जा सके टाइमली हॉल मार्क और ऑस्कर्स मेजर मेजर अचीवमेंट फॉर इंडिया आरआरआर आर आर का जो सॉन्ग है नाटू नाटू वो तो आपने देखा ही है उसको उसके वीडियोस भी बहुत सारे बने हैं उसके मीम्स भी बने हैं उसके टिकटॉक टिकटॉक तो नहीं चलता वो शॉर्ट्स इंडिया में वो भी बने हैं इंस्टा रील्स सो दे आर ऑल देर सो आर फेवरेट आर 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 सॉन्ग नाटू नाटू हैज़ वन ऑस्कर इन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में एलिफेंट विस्परर्स को भी ऑस्कर मिला ये मैंने अभी हाल फिलहाल में मूवी देखी थी शायद प्राइम uh, वीडियोज़ पे है

कि ई स्कूटर हटाओ हमारी सड़कों से ई स्कूटर है जो हमारे वो बजाज चेतक जैसे ई स्कूटर नहीं और और क्या आता है एथर एनर्जी या ओला स्कूटर की तरह नहीं दीज आर वो खड़े होके नहीं करते वो एक डंडा सा होता है पैर के खड़े हो जाओ और दो हैंडल और धकेलते हो बटन दौजूँ और पेमेंट पे वो वीडियोस बनती है पेमेंट पे चलाते रहते हैं तो वो वाले और ये दुनिया में कई जगह लोग इसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे क्योंकि भागती बहुत तेज़ है देर बैटरी दे हैव सुपर पावरफुल मोटर्स एंड बहुत तेज भागते हैं और लोग टक्कर मार देते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते जिसके कारण डेथ्स हो चुकी हैं लोगों की जान जा चुकी है तो पेरिस में भी देर हैव हाँ बिन डेथ्स बिकॉज ऑफ दिस कई सौ लोगों को इंजरीज हुई हैं इन स्कूटर्स से सो हैंस नाइन्टी मोर देन नाइन्टी परसेंट ऑफ पीपल हैव कम वोटेड किए सारे जो ये इलेक्ट्रिक ये खेलने वाले बेकाबू खिलौने हैं जो कि रेंटल रेंट पे मिल सकते हैं ऐप से बुक करके आप उठा के बाहर से लोग आते हैं उन्होंने कहीं भी दौड़ाते रहते हैं इनको हटाओ सो पीपल आर गेटिंग वेरी अपसेट विद दीज थिंग्स तो दिल ऑबियसली गो अवे एंड पैरिस विल बिकम वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो उनको हटाएगा ओके okay, और कर्नाटका का पहला आई अनाउंस पहले हो चुका था खुल पहले चुका था आईआईटी धारवाड़ बट इसको अब कैंपस अलॉट हो गया है एंड विद दिस कर्नाटका विल गेट इट्स फर्स्ट परमानेंट आईआईटी कैंपस इन धारवाड़ अभी आईआईटी बॉम्बे के अंडर सेटअप हुआ है तो हर कोई कॉलेज जो नया सेटअप होता है उसका एक कोई पेरेंट होता है जो उसको सेटअप करने में सपोर्ट करता है वहाँ से फैकल्टी जाती है सारे रिसोर्सेज जाते हैं वो नए वाले इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉज़ को फैकल्टीज़ को ट्रेन करते हैं सेटअप करते हैं शुरू में फैकल्टीज नहीं होती है तो पेरेंट इंस्टीट्यूट से फैकल्टी जाके पढ़ाती भी है वहाँ पे ये हमने देखा है ओब्सली सी बी एस में जब था तो उसकी तो ऐसे ब्रांचेज नहीं थी बट मैंने निफ्ट में देखा है सो देर आर लॉट ऑफ अदर निफ्ट्स जो कि छोटे होते हैं दे ऑपरेट अंडर दी कंट्रोल यू नो गवर्नेंस नॉट रियली कंट्रोल बट अंडर द गाइडेंस ऑफ लार्जर मेजर निफ्ट लाइक निफ्ट डेली या निफ्ट मुंबई जहाँ से मैं पढ़ाऊँ उनके गाइडेंस में दूसरे नए सेंटर्स जो बनते हैं वो सेटअप होते हैं एंड ऑपरेट करते हैं सो आई आई टी धारवाड़ इन कर्नाटका और एक और अच्छी चीज़ इंडिया के लिए कि अभी हाल फिलहाल में विमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में विमेंस फॉर द विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इंडिया को गोल्ड मेडल मिलने चालू हो गए सो नीतू घंगस शी गॉट अ गोल्ड देन स्वाति बोरा शी वन अ गोल्ड सो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हु वन द गोल्ड्स स्वाति बोरा एंड नीतू घंगस और सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया है यूएस में इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया काफ़ी डिपॉज़िट्स कस्टमर के उसमें डिपॉज़िट हैं विच आर स्टार्टअप कंपनीज़ एंड लॉट ऑफ अदर कस्टमर डिपॉज़िट्स तो अब वो गवर्नमेंट कंट्रोल में चला गया है लिक्विडिटी अकाउंटिंग आप में से जिसने भी पढ़ी है वो तो आपको पता ही है लिकुडेशन कैसे होती है एंड गवर्नमेंट गेट इन गेट्स इन वर्ल्ड अब अपने आपको ऐसे बैंकअप डिक्लेयर कर नहीं सकते बट बैक्रफ बैंक सी वो पोजिशन होती है जब आपके पास कैश uh, इन हैंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है टू रन बिजनेस ऑपरेशन और यहाँ पर भी यही हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के केस में uh, आपको जल्दी से बता देता हूँ फॉर दोज हु डू नॉट नो इन्होंने इनके पास जितना कैश इन हैंड था जितने पैसे थे उससे इन्होंने सिक्योरिटीज़ ख़रीद ली फिर यू एस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो जो सिक्योरिटीज़ थी या जो भी इन्होंने बॉन्ड्स ख़रीदे उसके पैसे गिर गए और उससे नतीजा ये हुआ कि ये पहले इन्होंने जिस प्राइस में ख़रीदा था अब मार्केट में जिस प्राइस में ये बेच रहे हैं इधर दे आर सेलिंग इट एट लोअर प्राइसेस या इसको इन्होंने जहाँ इंटरेस्ट जहाँ इन्वेस्ट कर रखा था वहाँ पे आ, इन्वेस्टमेंट पे टैक्स गवर्नमेंट uh, ने रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे बोइइंग uh, पे बढ़ा दिया तो इन्होंने अगर कहीं से बोरो करके इन्वेस्ट किया हुआ था तो उधर बोरोइंग का रिटर्न का जो पैसा देना था वो भी महंगा हो गया तो एज़ अ रिज़ल्ट इनके जो इन्वेस्टमेंट थे वो लॉस मेकिंग हो गए और ऊपर uh, से प्रेशर ये आया कि जो क्लाइंट्स थे या बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो आके बोलने लगे जी हमें अपना पैसा विड्रॉ करना है आपसे तो इधर से लॉस आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉस होने लगा है और आपके पास जो लिक्विड कैश था वो आपके कस्टमर विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं तो एवेंचुअली लॉसेस एंड रिड्यूसिंग लिक्विडिटी दोनों मिलके हालत इनकी ऐसी हो गई कि इन्हें बोलना पड़ा कि हम अभी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हमारे पास अब ऑपरेट करने के ऑपरेट करने का ऑपरेटिंग कैश नहीं है विच इज़ वर्किंग कैपिटल सो एज़ अ रिजल्ट इससे पहले कि बैंक हो गवर्नमेंट ने इनके ऑपरेशन को रोक दिया एंड बोला कि आप जहाँ जिस स्टेट में हो जहाँ हो उसी पे ख़त्म ताकि किसी का और पैसा आप डुबो ना दो राइट तो दिस इज द एंड ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक इन यू और एसोचैम विच इज़ अ मेजर इंडस्ट्री बॉडी इट रिप्रेजेंट्स द इंडस्ट्रीज द कंपनीज इन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया तो स्पाइस जेट के जो सी हैं अजय सिंह ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी president of Asocham, and he will be replacing सुमंत Sinha, who is the MD of Renew Power. पावर गुड़गांव में ऑफिस है अगर आप में से कोई भी गोल्फ कोस रोड जाता है तो आप देखोगे एक बिल्डिंग पे विंडमिल लगी हुई है गोल्फ कोस रोड पर वो रिन्यू पावर का ऑफिस है रिन्यूएबल एनर्जी में आ, इन्वेस्ट करती है ये कंपनी ठीक तो Jet, all of us नो एंड वी also now नो what इज़ रिन्यू पावर ओके okay, और शिपिंग ग्रीन शिपिंग की मैं बात ही कर रहा था बताया आपको कि व्हाट इज़ ग्रीन शिपिंग जिसके गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में और उसको काफ़ी बढ़ाने में ग्रीन शिप बिल्डिंग हब बनाने में इंडिया में और साथ में गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि इनलैंड वाटरवेज़ को अब डेवलप कर दिया जाए बहुत टाइम हो गया है हमारे जो रिवर्स हैं उनको कनेक्ट करो उस पर छोटे साइज़ के शिप्स चलाओ और सामान को इधर से उधर वाया वाटरवेज़ भेजो दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे वाटरवेज काफ़ी वर्ल्ड है यूएस में साउथ अमेरिका में लैटिन अमेरिका में खासकर लोग एक देश से दूसरे देश आ, पानी के रस्ते जाते हैं अभी हाल फिलहाल में इंडिया का सबसे महंगा रिवर क्रूज़ जो कि गंगा में चला वाराणसी से ले असम तक वो भी क्रूज़ चालू हुआ है इंडिया का द मोस्ट एक्सपेंसिव रिवर क्रूज़ इन द कंट्री सो गवर्नमेंट इज़ वॉन्टिंग टू इन्वेस्ट हैविलीली एंड डेवलप आर इन लैंड वाटर वेज मैं स्कूल में था तब पढ़ते थे जी वॉटरवेज इन लैंड वाटरवेज एज मई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच में मैंने कभी देखा नहीं है बट यप विद दिस इनिशिएटिव रियली माई स्टार्ट सींग लॉड ऑफ़ क्रूजेज एंड लॉड ऑफ स्टाफ ट्रावलिंग एटलीस्ट हैवी देवीएस्ट ऑफ कार्गो कैन एक्चुअली ट्रावल फास्टर इन वाटरवेज क्योंकि कोई रोड ट्राफिक तो है नहीं कि आपको इस इधर रेलवे जंक्शन पर रुकना है रोड पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है ट्रक ब्रेक डाउन हो गया वो पानी में है वो जाता चला जा रहा है और कोई ट्रैफिक कोई इंट्रूजन कुछ है नहीं सो दिस वेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व वेरी गुड स्टेप और आप वीडियोस देखोगे तो यूट्यूब में लॉट ऑफ दिस यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ऑल दे हैव वेरी वर्ल्ड वेरी डेवलप्ड वाटरवेज और कनाल्स ब्रिज सिस्टम्स राइट सो दे आर ऑल देर एंड दिस इज़ वॉट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर इंडिया ऑल्सो ओके okay, और एक बहुत मेजर न्यूज़ जो अभी तक हम पिछले वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे थे कि जी टाटा बिस्लरी को ख़रीद रहा है बट टाटा ने बोला हम बिस्लरी को नहीं ख़रीद रहे और इसका टाटा ने बोला कि जी हम टाइम टू टाइम इवेलुएट करते ही रहते हैं कंपनीज खरीदने के लिए ये काफ़ी मेच्योर स्टेज पे ये न्यूज़ पहुँच गई थी कि जब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिस्लरी को ख़रीद ही लेगा जो हमारा फेमस पानी का ब्रांड है बट नहीं टाटा ने बोला हम नहीं ख़रीद रहे तो अब देखते हैं फ्यूचर क्या है बिस्लरी का उसको कौन खरीदता है बट मार्केट में तो है वो सेल के लिए ओके okay, और ये एक हट के न्यूज़ है नॉर्मली अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट रेज करती है मार्केट से पैसा उठाती है तो सरकार उस पर टैक्स लेती है थाईलैंड में कुछ अनोखा हुआ है ये कैसे काम करेगा अभी तो नहीं पता बट सरकार ने बोला है कि जी इसकी नोटिफिकेशन भी आई है बाय द वे ये मैंने के की साइट पर भी पढ़ा है आ, थाई थाई गवर्नमेंट ने बोला है थाईलैंड गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई कंपनी टोकन्स सेल करती है डिजिटल टोकन और उससे मार्केट से पैसा उठाती है बिजनेस करने के लिए तो उस पर हम आपको टैक्स रिबेट देंगे आपको इनकम टैक्स और वैट नहीं देना पड़ेगा मतलब मे बी थाई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रमोट पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाया डिजिटल टोकन्स And which is why they are giving these uh, SOPs to companies and to people who are investing. So, maybe Thailand is thinking or planning something big with digital currency and digital tokens, and they want to take a giant leap ahead of the rest of the world. So, and this will also help ease bringing investment from other countries into Thailand. Maybe that is the plan over here. बट ऐसा कुछ उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था दिस इज़ ऑल माई पर्सनल असेसमेंट बट यप थाईलैंड बिकम्स अ कंट्री जहाँ पे आप अगर किसी कंपनी में वायर डिजिटल टोकन इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी को ना आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा विच इज़ गुड बाकी दूसरे तरीके तो हैं ही uh, इन्वेस्ट करने के लाइक स्टॉक्स डिबेंचर्स खरीद लो वो सब रहेंगे और हम लिक्विडेशन की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले सिलिकॉन वैली बैंक की तो एक बहुत बड़ी फेमस ग्लोबल कंपनी जापानीज कंपनी तोशिबा लिक्विडेट हो गई बैंक्रप्ट हो गई और उसको फाइनली जापनीज़ जापान की जे आई पी जापनीज इंडस्ट्रियल पार्टनर जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है वो टेक ओवर कर रही है तोशिबा के काफ़ी काफ़ी बिजनेसेस हैं कुछ तो बहुत ही मेजर बिजनेस है लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ऑल इनको uh, इतने आराम से डूबने नहीं दे सकती सरकार बिकॉज काफ़ी लंबे कमिटमेंट्स होते हैं और काफ़ी कंट्री के लिए पैसे लेके आते हैं ऐसे बिजनेसेस न्यूक्लियर पावर प्लांट हर कोई नहीं बना सकता एंड इसके अलावा तोशिबा हैज़ ऑल दिज इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ केयर दिस दैट एवरी थिंग सो गवर्नमेंट जस्ट कैन नॉट लेट दिस कंपनी फेल हैंस ग्रुप ऑफ जैपनीज कंपनी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स दे हैव डिसम टूगेदर एंड बाई आउट तोशीबा बट दिस सरवाइव बट इज़ ए बिग लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस कि बिजनेस कैसे नहीं करना चाहिए एंड लास्ट मेजर न्यूज ऑफ मार्च इस महीने का इसकी सिर्फ सिलीकॉन वैली बैंक ही चौपट नहीं हुआ स्विट्ज़रलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड ये भी चौपट होने की कतार पे है बट देन देर इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड विच इज़ यू बी एस तो यू बी एस हैज़ ऑफर्ड टू बाई आउट क्रेडिट स्विस अगेन अ गवर्नमेंट ब्रोकर डील गवर्नमेंट क्रेडिट सुइज बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक है Uh, दुनिया में पता नहीं कितने ही सैकड़ों कंपनीज में इसने पैसा लगा रखा है तो इसको भी डूबने नहीं दे सकती सरकार और दूसरे कर देशे, देश देशों की सरकारें भी सो हैंस इन अ डील विच वॉज लेड बाय द स्विस गवर्नमेंट यू हैज़ एग्रीड टू बाय आउट क्रेडिट स्विस बैंक फॉर थ्री पॉइंट टू बिलियन यू डॉलर्स बिग सम बिग बाई आउट बट इसके साथ जो क्रेडिट सुइस के जो भी यू नो लाइबिलिटीज़ वगैरह है वो भी यू को टेक ओवर करने पड़ेंगे तभी टेक ओवर होता है अदरवाइज वो टेक ओवर नहीं माना जाता कुल सग़ दीज वर ऑल दी समराइजेशन ऑफ ऑल दी टॉप करेंट अफेयर्स हॉट करेंट अफेयर टॉपिक्स ऑफ मार्च पॉलिटिक्स बॉलीवुड वो सारी चीज़ें नहीं आती है प्लीज़ वो सारी इसलिए मैंने छोड़ दी पॉलिटिक्स में जो एक न्यूज़ आ सकती है वो मैंने इंक्लूड कर दिया एंड विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप्स पे एक्टिव रहो बहुत ज़रूरी है व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो बहुत ज़रूरी है फॉलो करो जो नोटिफिकेशंस आ रही है टीम जो भी अपडेट शेयर कर रही है उनको देखते रहो यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहो जो आते रहते हैं हमारे अपडेट्स चैनल uh, पे एंड फुल कोर्स प्रोग्राम में तो ये सारी चीज़ें है ही पढ़ना चालू कर दो बोर्ड एकदम ख़त्म होते ही ठीक So, guys, uh, this is it from my side today. I'll see you very soon in the next video. And until then, bye.